हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल राहुल जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट आ चुकी है, उसमें आप अपना नाम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि किस तरीके से आपको लिस्ट में नाम चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र होता है उस पर आ जाना है। इस तरीके से आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप देखेंगे मेरे सामने ये पेज ओपन है, तो इसका लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पे आ जाएंगे, तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से तीन लाइन जो दिख रही हैं, यहाँ पे आपको ये तीन लाइन जो दिख रही हैं, इस पर आपको इस तरीके से क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने नीचे यहाँ जो है ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर जो स्टेक होल्डर जो दिख रहा है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप स्टेक होल्डर पे क्लिक करेंगे, अब फर्स्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं IAY प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिशियरी, तो आपको ये जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिख के आ रहा है मेन मेन्यू। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो यहाँ पर इस तरीके से सर्च बेनिफिशियरी डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये एडवांस सर्च पे सर्च कर लेना है। तो अभी जो है यहाँ पे हम एडवांस सर्च पे क्लिक कर लेते हैं। एडवांस सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपना जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी राज्य से हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से लिस्ट आपके सामने आ जाएगी राज्य की, तो आपका जो भी राज्य लगता है, तो आपको राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी जो यहाँ पे मैं अपना राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने अपना राज्य जो है सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, आपको डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ब्लॉक, तो जो भी आपका ब्लॉक लगता है, आपको यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक कर लेना। हम अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पंचायत मिलेगा, तो आपको जो आपकी पंचायत लगती है, आपको यहाँ से पंचायत को भी सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम जो है अपना पंचायत यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सभी ऑप्शन को छोड़ देना है, सर्च नेम, फाइनेंशियल ईयर, इसको छोड़ देना है। आपको इस तरीके से नीचे आ जाना है, यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है, तो ये सर्च पे आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ में लिस्ट आ चुकी है। तो आपको यहाँ सीरियल नंबर, बेनिफिशियरी आईडी, बेनिफिशियरी का नेम मिल जाएगा, फादर्स नेम, बीपीएल नंबर, हाउस स्टेटस आप देख सकते हैं, जो आवास योजना का स्टेटस है यहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे कि अमाउंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इनको जो है 48,500 रुपये दिया गया है, इनको भी 48,500 रुपये, इनको जो है 75,000 रुपये दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आवास योजना के लिए जो है पैसे आपको इस तरीके से यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आपका भी अगर इस लिस्ट में नाम है, तो आपको ये पैसे मिलेंगे। आप यहाँ से पूरी जानकारी देख सकते हैं, बेनिफिशियरी आईडी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम होगा, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है, आपको भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो ये लाइक का बटन दबाकर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में ये बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।